हमारे लिए उत्साह और उमंग की बात है कि आज हमारे साथ है श्री राजेंद्र कुमार भंडारी जी, जिन्हें आपदा प्रबंधन में उनके सराहनीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री राजेंद्र कुमार भंडारी वर्तमान में चेयरमैन INAE फोरम ऑन डिजास्टर मिटिगेशन है, जो भारत में उन कुछ अग्रदूतों में से हैं जिन्होंने सामान्य रूप से भू खतरों और विशेष रूप से लैंडस्लाइड पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी है। डॉक्टर भंडारी ने CSIR, CBRI और 3 अन्य केंद्रों में लैंडस्लाइड के अध्ययन पर भारत की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की है। भूस्खलन के खिलाफ पूर्व चेतावनी के लिए गहन जांच, इंस्ट्रूमेंटेशन, निगरानी और जोखिम विश्लेषण के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, जियोटेक्निकल डिजिटल सिस्टम, वाइब्रेटिंग वायर पीजोमीटर्स, लेजर पार्टिकल एनालाइजर, पाइल ड्राइव एनालाइजर एंड एकूस्टिक एमिशन टेक्नोलॉजी जैसी नवीनतम तकनीकों को सामने लाने में एक बड़े योगदान के अलावा डीप माउंटेन ड्रेनेज थ्रू डायरेक्शनल ड्रिलिंग द्वारा एक प्रमुख लैंडस्लाइड को स्थायी रूप से ठीक करने के पहले वैश्विक उदाहरण का भी श्रेय दिया जाता है। श्री राजेंद्र कुमार भंडारी जी ने NDMA की कोर कमेटियों में भी काम किया है। आज हम बहुत उत्साहित हैं कि हमारे साथ हैं श्री राजेंद्र कुमार भंडारी जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आपदा प्रबंधन में आपके सराहनीय कार्य के लिए आपको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आज आप हमारे साथ यहां पर हैं। तो इस सम्मान को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं और हम्बल भी फील करता हूं। मैं ऑनर की बात इसलिए है कि ये अवार्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जुड़ा हुआ है और इसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्वयं देंगे। मैं हैप्पी इसलिए हूं कि ये नेताजी की बर्थडे पे मिल रहा है, पराक्रम डे है और बिगिनिंग ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है और इसमें ये सारा कुछ आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहा है। हम्बल मैं इसलिए फील करता हूं कि हालांकि मुझे ये मिल रहा है अवार्ड, इसके रियल विनर्स बहुत से लोग हैं। वो कौन है आप पूछेंगे, तो वो है मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरुज, मेरे टीम के मेंबर्स, मेरे कलीग्स, ढेर सारे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे असिस्टेंट्स जो मेरे फील्ड में मुझे उन्होंने जिन्होंने मदद की है, ये सब लोगों का इसमें शेयर है। अब आप ये देखिए कि इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि मेरा सफर लंबा रहा है, तो प्रोविडेंस एक्चुअली ने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए ये जरूरी है इस मौके पे कि मैं अपना डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड उन सबको संक्षिप्त में दे दूं। तो सबसे ऊपर नाम आता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1964 में जब से मैंने ज्वाइन किया आज तक मेरा उनसे संपर्क रहा है, हालांकि मैं 2000 में रिटायर हो गया था। SIR मेरी कर्म भूमि रही है और आप ये मानिए कि जितना मैंने कुछ पाया है या किया है उसमें CSIR के बिना ही नहीं होता और उसके डायरेक्टर जनरल्स स्पेशली नाम आता है मुझे ध्यान में डॉक्टर AP मित्रा, डॉक्टर मशेलकर, उनका इतना जबरदस्त योगदान रहा इसमें कि आज वो भी इतने ही इस अवार्ड के भागीदार हैं। के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, इतने नाम है मैं गिना नहीं सकता, मगर मैं इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की बात जरूर करूंगा क्योंकि मैं मेरा एकेडमी से बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है और वहां जो प्रेसिडेंट थे स्टालवर्ट्स लाइक डॉक्टर ककोडकर, डॉक्टर बलदेव राज, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर गोयल, डॉक्टर मिश्रा और प्रेजेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर माना, मैं वहां फोरम ऑफ इंजीनियरिंग इंटरवेंशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन था और उसके फोरम के एजिस में हमने जितना काम किया ये प्रेसिडेंट्स के सहयोग से ही पॉसिबल हुआ, नहीं तो हो नहीं सकता था। NDMA जब बना तब से आज तक उनके साथ मेरा संपर्क रहा है, तो उसमें जनरल NC विज जो पहले वाइस चेयरमैन थे उनका बहुत ही वो जैसे कहना चाहिए करिश्मेटिक लीडर थे और बड़ा इंस्पायर करते थे वो, और मेरा जो NDMA शुरू में जो योगदान रहा
वो जनरल विज का उसमें काफी कंट्रीब्यूशन है। एनआईडीएम भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए हैं और सबका मेरे साथ अच्छा रहा, बट डॉक्टर धर चक्रवर्ती जो थे उनके साथ मैंने बहुत बहुत काम किया, सार्क में भी किया और सो, मगर फाइनली मैं कहूंगा कि एक हाई पावर्ड कमिटी बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1990-2000 में, उसके चेयरमैन थे श्री जेसी पंत, और पंत साहब के साथ जो हमने किया उस ये अवार्ड के साइटेशन में आप देखेंगे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके साथ हुई थी, बीएमटीपीसी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियर इन चीफ, आईआईटी रुड़की, स्पेशली डॉक्टर जय कृष्णा, डॉक्टर भरत सिंह और प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ आईआईटी डॉक्टर चतुर्वेदी, इन सब का योगदान रहा। रॉयल कमीशन ऑफ यूके, मैं इंपीरियल कॉलेज में रहा और रॉयल कमीशन ऑफ ने मेरी जो रिसर्च सपोर्ट की उसने मेरे काम की नींव डाली, और यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट जो मुझे मैन मेड डिजास्टर्स, वार लाइक सिचुएशंस और पोस्ट डिजास्टर रिहैबिलिटेशन का जो एक्सपीरियंस हुआ उनमें सब में यूनाइटेड नेशंस का बड़ा योगदान है। तो मैं संक्षिप्त में ये कहूंगा कि जिन लोगों को मैंने मेंशन नहीं किया, ये समय के अभाव से नहीं किया, और मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, मगर वो भी इतनी ही भागीदारी है। जी, आपने जो कहा वो काफी प्रेरणादायक यात्रा है हम सबके लिए, काफी प्रेरणादायक है सब कुछ। आपकी यात्रा के बारे में बात करें, क्योंकि आपने काफी सारी यात्रा तो बताई दी है, तो ये जो डिजास्टर मिटिगेशन की जो आपकी यात्रा, ये यात्रा कहाँ से आरंभ हुई और इस यात्रा में कौन कौन से जो हैं आपके मील के पत्थर रहे? अच्छा, ये देखिए, ये तो अब काफी समय पहले की बात है तो सब रिकॉल कलेक्ट करना मुश्किल है, मगर मैं ये बताऊंगा कि 60 ईयर्स अगो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बॉम्बे में विद्यार्थी था, और वहां आई सॉ द फर्स्ट ड्रीम्स ऑफ एसोसिएटिंग विद डिजास्टर्स। इसका कारण ये था कि वहां हमें डिजास्टर्स के बारे में, नेचुरल हैजर्ड्स के बारे में पढ़ाया जाता था, तो लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक सब, और उसमें आई वॉज पेन्ड एंड फैसिनेटेड, पेन्ड बिकॉज सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज देयर, एंड फैसिनेटेड बिकॉज देयर वॉज सो मच टू लर्न एंड डू। तो सबसे पहले मुझे जो इसके बारे में जो मैं सपने देखने लगा वो आईआईटी बॉम्बे से शुरू हुए, मगर आप ये देखिए कि सपने मैंने इतने गहरे देखे थे कि डेस्टिनी ब्रॉट मी टू सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1964। तो उस वक्त क्या था कि इंडो चाइना वॉर खत्म हुआ था 1962 में, और सिक्किम एरिया में, पर्टिकुलरली नॉर्थ सिक्किम में और हिमालयन रीजन में हमारी काफी स्ट्रेटेजिक रोड्स जो हैं उनको देखना था, वहां लैंडस्लाइड्स की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ एज ए साइंटिस्ट, आई बिकेम एन एक्सपर्ट ऑन लैंडस्लाइड्स विदाउट नोइंग मच अबाउट इट, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। एंड मगर वो मुझे इतना अच्छा मौका मिला कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काफी कुछ वहां कर पाया, और मेरा जो सीखना था, आप जो कह रहे हैं ना जर्नी की बिगिनिंग, वो इस तरह से हुई। उसके बाद में देखिए प्रोविडेंस ने और मदद की, और रॉयल कमीशन ऑफ यूके दे सेलेक्टेड मी एज अ रॉयल कमीशन स्कॉलर फॉर 1851, बड़ी कोवेटेड फेलोशिप थी जी। वहां पहुंचा भी तो मैं ऐसी जगह इंपीरियल कॉलेज में जहां की लैंडस्लाइड स्टडीज के वर्ल्ड स्टालवर्ट्स थे सब, तो दैट वॉज ए पीरियड ऑफ थोरो एक्सपोजर टू वर्ल्ड साइंस ऑफ साइंस बेस्ड क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च, और इस प्रॉब्लम को मैं हिंदुस्तान से इंग्लैंड ले गया और वहां मैंने इसके ऊपर जो रिसर्च की दैट वॉज ऑल्सो दैट एंडेड अप विद वेरी बिग माइल स्टोन्स एंड यूजफुल रिसर्च प्रोडक्ट्स। उसके बाद में जब मैं वापस आया तो उसी ड्रीम को लेके मैं CSIR में आया था फिर से, और वहां CSIR ओपन फ्लड गेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। जब मैंने डायरेक्टर जनरल से डिस्कस किया और मैं पहुंचा भी थी ऐसी जगह, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुझे डायरेक्टर रहने का अवसर मिला, तो मुझे इतना फ्रीडम, जिसे कहना चाहिए, हम लोग कहते थे कि अगर CSIR में कोई परफॉर्म नहीं कर सकता
तो दुनिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां वो परफॉर्म कर सकता है, ऐसा मानना था। और उस फ्रीडम के साथ मुझे मिली अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। आई कैन टेल यू टाइम इज वेरी शॉर्ट बट आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन दैट कि कितनी अपॉर्चुनिटी मिली। और वहां जो है हमने, आगे मैं बताऊंगा आपके बात होगी तो इसमें, तो इतना ही कहूंगा कि वहां से मैं चला गया यूनाइटेड नेशंस। तो ये मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो एक्सपीरियंस था नेचुरल डिजास्टर्स पे। यूनाइटेड नेशंस में जो जैसे इराक वार हुआ तो उसमें आई वॉज प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर यूएन हैबिटेट, तो वहां मैन मेड डिजास्टर रिहैबिलिटेशन पोस्ट डिजास्टर कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर मुझे एक्सपीरियंस हुआ। तो उसके लिए ये भी एक जर्नी का एक बहुत अच्छा हिस्सा था। जब मैं वापस लौट के आया तो अन्ना यूनिवर्सिटी बीआईटी यूनिवर्सिटी वगैरह में मैंने सेंटर्स बनाए, उसके बारे में भी मौका लगेगा तो आपको बताऊंगा मैं। और यूनाइटेड नेशंस में मुझे जो थॉरो एक्सपोजर मिला पोस्ट डिजास्टर रिहैबिलिटेशन का, तो उससे मेरी जो क्यूरियोसिटी बढ़ी इसमें, तो वो मैं लेके आया। और इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने मुझे मदद की इसमें, उनका सारा वेट मेरे साथ था। तो ये सब करके आज जो है ये जर्नी, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। और बहुत ही सुंदर सर, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। तो एक लंबी यात्रा है आपकी और बहुत सारे मील के पत्थर रहे जो आपने बताए, पहले भी बताए अभी भी बताए। नहीं, आप अगर मुझे, मैंने मील के पत्थर के बारे में नहीं बताया, अभी मैं जर्नी के बारे में बताया। आपको अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके बारे में कुछ कहूँ, अचीवमेंट्स के बारे में दो दिन जिक्र कर सकते हैं। हाँ नहीं, एक तो ये था कि साइंस बेस्ड जियो हैजर्ड स्टडीज, ये मेरा अल्टीमेटली निकल के आया कि उसी में मेरा स्पेशलाइजेशन था। तो उसमें क्या हुआ कि जो नॉर्मल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है उसमें क्या करते थे, देयर एडहॉक प्रैक्टिसेस बिकॉज डिजास्टर्स कम सडनली एंड देयर रेस्पॉन्स हैज टू बी सडन। तो उसमें साइंस का कंपोनेंट जो है कम होता है, टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट ज्यादा होता है, एंड वी डोंट रियली कनेक्ट investigations and diagnosis with the ultimate answer. तो ये एक मेरा योगदान उसमें रहा कि I brought science-based studies on disasters, particularly on landslides. और उसी के दरमियान में world class laboratories खुली। तो first जो landslide की laboratory बनी थी Central Building Research Institute में, तो उसमें आप ये देखेंगे कि उस वक्त के सारे जो modern इक्विपमेंट होते हैं सब थे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार था, जियोटेक्निकल डिजिटल सिस्टम्स, लेजर एनालाइजर, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, पाइल ड्राइव एनालाइजर, बहुत सारे जो थे वो हमने हिंदुस्तान में ही क्या, वर्ल्ड में भी उस वक्त उस पर रिसर्च हो रही थी, हमने पहली बार वहां लाए। तो वो इक्विपमेंट से ऐसी कैपेसिटी बनी कि जो हमारे इन्वेस्टिगेशन थे उनसे हमें मदद मिली साइंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन में। और उसके बाद में दूसरा एक हमारा कंपोनेंट था एजुकेशन का, डिजास्टर एजुकेशन, कि भाई हम जो है एजुकेशन नॉट फॉर इट्स ओन से, नॉलेज मस्ट बी पुट टू यूज। तो मासेस को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, स्कूल चिल्ड्रंस वगैरह को और कॉलेजेस में कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए मुझे बुक लिखने का शौक था। तो हमने नेशनल बुक ट्रस्ट ने किताबें भी छापी है इसके ऊपर ये। और दूसरा ये था कि नेचर फ्रेंडली सॉल्यूशंस के बारे में हमारा था कि भाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स ऑल दिस काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। इंजीनियरिंग में ये है कि एक ही प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन हो सकते हैं, मगर आपको कौन सा चूज करना है ये एक बहुत ही अहम विषय होता है। तो उसमें भी जो है हम काफी उसमें रहा। और इससे बाद में क्या हुआ कि इन सब चीजों से हमें इंटरनेशनल कनेक्शन मिला और इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग International Conference of Landslides in India in Vigyan Bhavan 1980 में हुई थी वो। और आप ये देखिए कि उसमें हमारा योगदान इतना रहा, ये नहीं कि ये इंटरनेशनल इवेंट फर्स्ट इवेंट था, वहाँ हमने ये निर्णय किया कि हर 4 साल में इवेंट होना चाहिए। और आप ये देखिए कि इंडिया से ये इवेंट गया कनाडा, कनाडा से गया स्विट्जरलैंड, वहाँ से न्यूजीलैंड, और लास्ट जो है कार्टेजिना में 2020 में हुआ। हमने बिड किया था, इंडिया ने बिड किया 2024 के लिए, मगर हम एक दो वोट से हार गए। अब 2028 में हो सकता है कि ये वापस इंडिया में आए। तो ये हमारा ऐसा योगदान रहा, हमने स्टार्ट किया था उसको,
और बाद में तो ऑफ कोर्स अभी तक हम लोगों का इंटरनेशनल जो जॉइंट टेक्निकल कमिटीज वगैरह होती है उसमें योगदान है, बायलैटरल मल्टीलेटरल प्रोग्राम्स में भी हमने काफी कुछ किया है। आपको सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये सब। अगर आपकी जर्नी को देखते हैं, आपकी इस यात्रा को देखते हैं, तो कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा वाकया आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे जिसे आप हमेशा याद रखेंगे? देखिए बहुत, इसमें भी मैं आपको बता सकता हूं, मगर मुझे जो सबसे जल्दी और बार बार याद आता है वो एक चीज आती है कि जो बिगिनिंग में मेरे कैरियर के साथ हुआ, प्रोविडेंस ने मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका दिया जिन्होंने मेरा दर्जा बहुत बढ़ा दिया, जो अभी मुझे दर्जा है मैं समझता हूँ कभी उससे भी ज्यादा। उन्होंने एक प्रोफेसर एस आर मेहरा होते थे, जब मैं 1964 में मैंने ज्वाइन किया सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उस वक्त डिफेंस और बॉर्डर रोड्स की काफी काम होते थे स्ट्रेटेजिक रोड्स के ऊपर, तो वो मुझे भेजा करते थे, तो उन्होंने मुझे हिमालयाज में भेजा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर सब जगह जाते थे हम लोग। तो जब मैं पहली विजिट में करके आया तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने वहां क्या किया, मैंने उनको बताया। उसके बाद में उन्होंने कहा आप किन किन से मिले, तो मैंने बताया मैं असिस्टेंट इंजीनियर साहब से मिला, मैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर साहब से मिला, मैं चीफ इंजीनियर साहब से मिला। तो बोला कि आप जो है वो डायरेक्टर जनरल से क्यों नहीं मिले, आप उनसे क्यों नहीं मिले, तो आप हमारे एम्बेसडर हैं यहाँ के और आप जब जाते हैं तो आपको ये सब ख्याल रखना चाहिए, इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन की बात होती है। फिर उन्होंने पूछा आपने क्या क्या निर्णय लिए, तो मैंने सोचा कि मुझे नहीं बताना चाहिए नहीं तो वो कहेंगे कि डिसीजन मेकिंग इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द डायरेक्टर। मैंने कैसे ले लिए, तो मैंने कहा साहब उनसे कहा है कि आपसे डिस्कस करके और उनको लिखूंगा रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि देखिए, उस वक्त उन्होंने मुझे कहा आप बैठो, मैं तब तक खड़ा था उनके रूम में, तो उन्होंने मुझे कुर्सी दिया बैठा। उसने कहा कि देखो दो तीन बातें अच्छी तरह से सुन लो, एक तो यू आर एन एम्बेसडर ऑफ दिस लैब व्हेन यू गो आउट, सो यू शुड बिहेव लाइक दैट, एंड सेकेंडली यू शुड लर्न टू टेक डिसीजंस। अगर आपका डिसीजन गलत हुआ तो उससे कुछ सीखोगे और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, और अगर आपका राइट हुआ तो यू विल बी बेटर इंजीनियर, यू विल बी एबल टू सर्व द इंस्टीट्यूट एंड नेशन बेटर। तो मुझे जो उन्होंने उस वक्त कॉन्फिडेंस दिया कि आपकी अगर कोई डिसीजन रॉन्ग हुआ आई विल प्रोटेक्ट यू बट यू मस्ट लर्न टू टेक डिसीजन, तो ये एक मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आया इस चीज से और मैं समझता हूं कि एक बहुत अहम बात थी। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जेसी पंत साहब की, जिनसे मैं बात कर रहा था आपको, जो हाई पावर्ड कमिटी के चेयरमैन थे, तो एक बार मैं नए आइडियाज के बारे में बात हो रही थी कि जो भी हम लोगों के मेंबर्स थे हम लोग, तो नए आइडियाज, तो मैं दो नए आइडियाज लेके गया था। एक तो मैंने कहा था कि जो इंडिया का डिजास्टर का विजन होता है वो होना चाहिए डिजास्टर फ्री इंडिया, और दूसरा हमें एक नॉलेज नेटवर्क की बात करनी चाहिए कि एक, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज पावर, तो इंडिया शुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज नेटवर्क। और मैंने जब डिजास्टर फ्री इंडिया की बात की तो उसमें ये हुआ कि बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, इज ए विशफुल थिंकिंग, तो ये डिजास्टर रेजिलियंट इंडिया होना चाहिए, डिजास्टर फ्री इंडिया नहीं होना चाहिए। और मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि इफ यू ड्रीम हाई देन यू अचीव हाई, अगर आपका ड्रीम ही रेजिस्टेंट है तो उसमें फिर आप फ्रीडम नहीं होगी उसकी। एंड एक्चुअली पंत साहब मेरे से एग्री किया उन्होंने, और वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट दी उसमें डिजास्टर फ्री इंडिया उन्होंने रखा। दूसरी बात थी नॉलेज नेटवर्क की, मैं जो बात कर रहा था तो मैं बता रहा था कि किस तरह से जो डिजास्टर का, हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, भारत में इतने संस्थान हैं, सब लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये जो नॉलेज है बेस, इसका एक नेटवर्किंग अगर नहीं होगा तो हमें इसका फायदा नहीं हो सकता। तो इस तरह का मैंने आइडिया जब पुट किया तो मेरा स्पीच चल ही रहा था और वो एक येलो स्लिप लेके आए हाथ में और उन्होंने लिखा उसके ऊपर कि आई वॉन्ट फुल अटेंशन टू दिस एंड नेक्स्ट मीटिंग विल बी देयर इन भोपाल वेर यू हैव टू पुट द पेपर। तो आप ये देखिए कि जो आइडिया जो था तो उसमें उन्होंने मुझे वो दी स्लिप, भोपाल में वो मीटिंग हुई
और उसके बाद में आप ये देखिए कि डॉक्टर मशेलकर, डॉक्टर ककोड़कर जो एकेडमी में थे उस वक्त, इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया पंत साहब को। और मशेलकर साहब ने तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक सेंटर का भी इनॉग्रेशन कर दिया वहां पे इस बारे में। कॉमनवेल्थ साइंस काउंसिल ने हमें सपोर्ट किया और ये आइडिया जो है वो भी हाई पावर्ड कमिटी की रिपोर्ट में गया। उसके बाद में आप देखिए कि अन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद थे वहां पे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं वहां सेंटर एस्टेब्लिश करूं अन्ना यूनिवर्सिटी में। तो वहां भी मोटो वही रहा है डिजास्टर फ्री इंडिया। और मैं जब यूएन से लौट के आया 2003 में, तो मुझे इनविटेशन मिला बीआईटी यूनिवर्सिटी से, वहां के चांसलर विश्वनाथन साहब ने जो सेंटर बनाया उसका भी मोटो वही रहा विजन डिजास्टर फ्री इंडिया। और इसके बाद में स्कूल्स में गया मैं, रामजस कॉलेज और दूसरे स्कूल्स कॉलेजेस में, वहां भी हमने इसको फैलाया। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने कलकत्ता आईआईटी में एक ऑडिशन किया था राजेंद्रनाथ मुखर्जी लेक्चर, तो उसमें भी मेरा यही थीम था। इंजीनियर चीफ हरि उनियाल इंजीनियर चीफ थे उस वक्त, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, तो वहां भी हमने डेस्टिनेशन डिजास्टर फ्री इंडिया की बात की। एनआईडीएम का भी वो है। तो ये आप ये देखिए कि सारी चीजें जो है इससे इतना हुआ कि मैं समझता हूँ कि ये यादगार जो है मैं भूल नहीं सकता। अब समय का अभाव है, मगर एक मैं मुझे और इजाजत दीजिए एक मैं और बताना चाहता हूँ, और वो है हमारे नरसिम्हा राव साहब जो उस वक्त ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। तो जब वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो आईआईटी रुड़की में आए थे वो कन्वोकेशन एड्रेस देने में जी। और आप ये समझ लीजिए कि वो बड़े अकम्प्लिश स्पीकर थे और बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। तो उन्होंने ये कहा सिविल इंजीनियर्स के बारे में बात करते हुए कहा कि सिविल इंजीनियर्स डिजाइन स्ट्रक्चर्स विच आर रेफ्रिजरेटर्स इन विंटर एंड ओवन्स इन समर, ऐसी बात उन्होंने करी। तो उसके बाद में जब वाइस चांसलर का लंच हुआ तो उसमें मैंने कहा कि साहब आपने बहुत जो अच्छी बात की है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं ब्लेम लेता हूँ कि ऐसा हो रहा है, मगर आपने ये पूछा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो वो एकदम सरप्राइज किया कि ऐसा सवाल मैंने किया। तो उन्होंने कहा कि आप कौन है और आपका आंसर क्या है। तो मैंने कहा मैं यहाँ निदेशक हूँ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और मेरा आंसर यह है कि आपने इतने मेहनत से सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, तो अंडर वन रूफ वी हैव ऑल द कैपेसिटी टू डिलीवर यू द बिल्डिंग्स विच ऑफ योर चॉइस एंड लाइकिंग, मगर हमें मौका नहीं मिलता। तो इसकी वजह से ये कारण यही है कि ये सारा जो हो रहा है वो गलत हाथों में है, इसलिए होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल आ जाइए दिल्ली और मुझसे मिलिए मेरे घर पे। तो मैं मिला वहां से, और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उन्होंने काफी मीटिंग्स वगैरह कर करा के फाइनली ही इंटरेस्टेड ही आस्क्ड मी दैट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर माउंटिंग ए टाइगर, और मैंने उनसे कहा कि आई एम विलिंग टू डू दैट। उन्होंने मुझे वो नवोदय विद्यालय का जो इनिशियल प्रोजेक्ट था 305 नवोदय विद्यालय बनाने थे हर पार्ट ऑफ कंट्री में, तो वो प्रोजेक्ट सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च को मिला। तो आप ये देखिए छोटी सी घटना से कितना परिवर्तन आया कि वहाँ जो इंस्टीट्यूट का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत रहा। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो कि मैं समझता हूँ कि काफी याद रखने लायक है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे अगर आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, आपके सेमिनार्स मैंने काफ़ी देखे हैं और काफ़ी आपको फॉलो किया है, तो काफ़ी जानकारी मुझे भी मिली है। पर अगर हम लोगों के स्तर पर देखते हैं, आम जनमानस के स्तर पर देखते हैं, तो आपदा प्रबंधन को लेकर आज पहले के मुकाबले काफ़ी जागरूकता बढ़ गई है, तो ये सारा जो है ये प्रोसेस कैसे संभव हो पाया है? इसमें मैं ये कहूंगा कि देखिए एक तो क्या है कि व्हाट यू एंड आई कैन नॉट डू डिजास्टर्स डू इट। डिजास्टर्स आर द बेस्ट स्कूल मास्टर्स। वो क्या है कि दे टेक टेस्ट फर्स्ट एंड टीच आफ्टरवर्ड्स। तो जब ये है कि लर्निंग बाद में आता है, पहले वो टेस्ट ले लेते हैं। तो हम जो है नॉर्मल क्लास में पहले पढ़ाते हैं फिर टेस्ट लेते हैं। तो ये जब होता है डिजास्टर्स का, तो जो हमने सीखा है वो एक्चुअली इज ए वेरी पेनफुल एक्सरसाइज। वी हैव गॉन थ्रू द थिक एंड थिन ऑफ इट। हमने सफर किया है बहुत,
और डिजास्टर्स ने हमको सिखाया, तो फर्स्ट लेसन्स तो मैं मानता हूं इसके लिए कि सब डिजास्टर से आए हैं। दूसरा यह है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो जब भी हमें दुविधा हुई तो उसी हिसाब से हमने संसाधन बनाए और काम शुरू किया। जैसे आप ये देखिए कि इस कंट्री में अर्थक्वेक के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, तो हमने वर्ल्ड क्लास अर्थक्वेक वार्निंग सेंटर्स बनाए, साइज्मोलॉजिकल नेटवर्क है इस कंट्री का, और सुनामी आई थी 2004 में, तो वर्ल्ड क्लास सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो ये जो चीजें हैं ये स्लोली एंड स्लोली जैसे जैसे हमारे प्रॉब्लम्स आई हम लोगों ने उनके सॉल्यूशन निकाले। और उसके बाद में आप ये देखिए कि हमारे स्पेस रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, तो इंटरनेशनल चार्टर फॉर शेयरिंग सैटेलाइट डेटा ऑन डिजास्टर्स ये पॉसिबल हो सका है, बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जो इस चार्टर में मेंबर है। फिर 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, आपने देखा कि एक्ट से पेंडेमिक में कितना फायदा हुआ है, कॉमन मैन भी जानने लगा इसके एक्ट के बारे में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बना, 2005 में नेशनल पॉलिसी बनी, कनेक्टिंग द मासेस एंड ऑल दैट वाज सब्जेक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जून 2016 में बनाई, तो ये हमारे प्लान भी है उसमें। प्राइम मिनिस्टर का 10-पॉइंट एजेंडा है जो 2016 में 7th एशियन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में हुआ। फिर आप ये देखिए, अभी रिसेंटली मैं बताता हूं आपको कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड 15 फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर मैनेजमेंट फंड भी बनाया इसके लिए। दैट मींस टू टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिव अप्रोच, नॉट रिलीफ सेंट्रिक। पहले हमारा ये था कि डिजास्टर हो गया उसके बाद में हम जाते थे, तो हाउ टू प्रिवेंट इट, तो मिटिगेशन के लिए इन्वेस्टमेंट जो है पहली बार हुआ। और मैं ये भी कहूंगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें काफी योगदान रहा, इसमें समय समय पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुए, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर अटेंशन फोकस की और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर डिसीजन लिया। नेशनल डिजास्टर रिलीफ रेस्पॉन्स फोर्स बना जो पहली बार हुआ। देन हमारी टेक्नोलॉजी आई इंडिया में, तो आप ये देखिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से आ जाती है क्योंकि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस इतने कॉम्पिटेंट हैं, तो UAVs, ड्रोन्स वगैरह ये सब है। मोबाइल फोन एक्सप्लोजन, यू नो कितना मोबाइल फोन से आप ये देखिए कि मासेस में अवेयरनेस आई है और इसकी यूटिलिटी एमरजेंसी में है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये भी एक जो है मैनेजमेंट इंडिया में। प्लानिंग कमीशन पहले था, जब उसमें 12th प्लानिंग कमीशन में एक चैप्टर इंक्लूड किया गया इसका। और आप ये देखिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हमें ये बिखरा बिखरा सा लगता है, मगर आप सबको ऐड करें तो उनका भी काफी रहा जो इसमें हैजर्ड रिस्क और वॉलेंट्री असेसमेंट में। वॉलेंट्री एजेंसी का योगदान रहा, लोकल एजेंसीज का रहा, ग्लोबल कोऑपरेशन रहा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ये मिलके ये परिवर्तन आया मासेज में, मगर अभी हमको रास्ता बहुत लंबा है। बहुत बहुत आभार आपका सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।